अरे बहुत देर हो गई, रोड पर बैठे बैठे शहर जाने वाली बस अभी तक नहीं आई है। मजदूरी के लिए देर हो रही है, नहीं तो आज काम नहीं मिल पाएगा शहर में। खाली हाथ ही लौट कर आना पड़ेगा, जल्द से जल्द बस आ जाए। अरे मोदी जी, एक बार शहर पहुँच जाए, शहर जाकर तो काम मिल ही जाएगा। कल तो अपना लंच के टाइम में पहुँचे थे, फिर भी 200-200 रुपए की दिहाड़ी करके चले आए थे। यहाँ गाँव में 1 रुपए की मजदूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए शहर जाना पड़ रहा है। वैसे अखिलेश, लंच से तुमने याद दिलाया, आज तुमने लंच टाइम के लिए देसी घी के परांठे रख लिए। अरे राहुल अपनी तरफ चला आ रहा है चना लेकर। मोदी जी मेरा चना जोर गरम ले लो, नींबू डाल के एक प्याली बना देता हूँ, बहुत मजा आएगा खाने में। अरे जाओ राहुल, एक पैसा जेब में नहीं पड़ा है। हम खुद शहर में मजदूरी करने जाने के लिए बैठे पड़े बस का इंतजार कर रहे हैं। जेब में पैसे होते राहुल, तुम्हारा चना जरूर खरीद लेता मैं। पर मोदी जी, शहर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हो और जेब में पैसे है नहीं, बड़ा अच्छा बहाना बना रहे हो। ये बताओ, जब बस में बैठ के जाओगे तो किराया कहाँ से दोगे, जब तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है? अरे मेरे एक प्याली चने खरीद लो, बहाने मत बनाओ। बाकी में राहुल, हमारे जेब में पैसे नहीं है, हमारा तो बस पर बैठने का पास बना हुआ है। हम तो रोज मजदूरी करने के लिए शहर जाते हैं, इसलिए पास बनवा लिया है। अखिलेश बहाने मत बनाओ, तुम तो शहर में मजदूरी करके अच्छा पैसा कमा कर लाते हो, मेरा यहाँ गांव में ये चना नहीं बिक पा रहा है, तुम ही खरीद लो। राहुल क्या जबरदस्ती है, जब हमारे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से चना खरीद ले? मोदी जी मेरा चना जोर गरम खरीदना तो पड़ेगा आपको, चाहे उधार लो। राहुल मैं उधार लेके एक पैसे की चीज नहीं खाता हूँ, अपने ऊपर कर्जा नहीं रखता हूँ मैं। मोदी जी सुबह से एक पैसे की बिक्री नहीं हुई, ये चना तो लेना पड़ेगा आपको। क्या बात है राहुल, मोदी जी क्या बात है, कैसे कदर मचाए पड़े हो? अरे लालू इंस्पेक्टर जी आप आ गए, अच्छा हुआ। ये देखो राहुल जबरदस्ती मुझे चने देना चाह रहा है, उधार भी मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, जबरदस्ती उधार देना चाह रहा है। लालू जी सुबह से एक पैसे की बिक्री नहीं हुई है, आप ही चना ले लो। चलो राहुल, मोदी जी को परेशान मत करो, वो शहर मजदूरी करने जा रहे हैं, हम ही तुमसे चने ले लेते हैं। योगी जी 5 रुपए छुट्टे पड़े हैं तुम्हारे पास, देना मुझे, राहुल से चने ले लें जरा। लालू सर जी, जेब में 5 का नोट छुट्टा नहीं पड़ा, 10 रुपए पड़े हैं, 10 रुपए के चने ले लो। राहुल 10 रुपए के चने दे दो, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश इस बार खेत में तरबूज की अच्छी पैदावार हुई है, अब ये तरबूज खरीदने के लिए कोई व्यापारी शहर से यहीं आ जाए गांव में तो दिन न्यारे हो जाएंगे। अखिलेश मोदी जी आपके मुंह में घी शक्कर, वो देखो राहुल जी तरबूज व्यापारी शहर से अपने गांव की तरफ चले आ रहे हैं। ये हर साल तरबूज खरीदने के लिए शहर से अपने गांव में आते हैं, ये बहुत बड़े व्यापारी हैं। पिछले साल मेरा सारा का सारा तरबूज यही खेत से खरीद कर ले गए थे। आ गए मोदी जी, करीब में ही आ गए राहुल जी। अखिलेश नमस्कार, और कैसे हो? राहुल जी मैं तो सही हूँ, आप बताओ आपका क्या हाल है? अरे पिछले साल मैं आपका सारा का सारा तरबूज यही से खरीद कर शहर ले गया था, बहुत अच्छा तरबूज था आपका, लेकिन इस बार तो आपका तरबूज अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपके आगे आगे चल रहे हैं जो, इनका तरबूज अच्छा है। भाई साहब आप तरबूज बेचोगे? जरूर भाई साहब, अगर आप सही रेट में ले लोगे तरबूज को तो हम यही खेत पर ही तरबूज बेच देंगे, शहर में मंडी नहीं ले जाएंगे तरबूज को बेचने के लिए। रेट तो तरबूज का हमेशा मैं अच्छा ही देता हूँ, मुझसे अच्छा व्यापारी तरबूज का इस एरिए में कोई नहीं है, अखिलेश से पूछ लो। लेकिन राहुल सर जी पिछले साल तो मेरा सारा का सारा तरबूज आप खरीद कर ले गए थे, इस बार मेरे तरबूज में क्या कमी है, मेरा तरबूज क्यों नहीं खरीद रहे हो? अखिलेश एक ही नजर में तरबूज देखकर बता देता हूँ किसका तरबूज अच्छा है किसका बेकार है, तुम्हारा तरबूज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इन भाई साहब का तरबूज अच्छा है जो तुम्हारे आगे ठेली में तरबूज लेकर चल रहे हैं, भाई साहब आपका तरबूज 100 रुपए क्विंटल लगा दूंगा। तरबूज कितना है आपके पास, कितना क्विंटल तरबूज हो जाएगा सब बताओ? तरबूज तो भाई साहब काफी है, रेट भी आप सही लगा रहे हो, सारा का सारा तरबूज मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, कम से कम 200 क्विंटल तरबूज होगा मेरे पास। राहुल जी तरबूज तो हमारे भी खेत का अच्छा है, ये देखो मैं एक तरबूज अपने खेत से तोड़कर लाया हूँ, मेरा भी तरबूज खरीद लो। भाई साहब आपका तरबूज थोड़ा छोटा है, ये मोदी जी है इनका तरबूज अच्छा है। अरे वो बैठे हुए हैं भाई साहब, उनका तरबूज बहुत अच्छा है, क्यों भाई साहब तरबूज बेचोगे? हम तो तरबूज बेचने के ही लिए बैठे, हम भी बेच देंगे तरबूज, 90 रुपए क्विंटल के हिसाब से मैं तरबूज बेच दूंगा आपको, ले लो। माफ करना मोदी जी, मैं आपका तरबूज नहीं ले सकता, वो देखो लालू जी 90 रुपए क्विंटल के हिसाब से तरबूज बेच रहे हैं, मैं व्यापारी हूँ, जहाँ सस्ता माल मिलेगा वो ही लूंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे तुम सब लोग किधर देख रहे हो? इधर देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ। लालू जी आप इधर देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करो। राहुल सर जी हम अच्छी तरीके से देख तो रहे हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और पढ़ भी रहे हैं। और मोदी जी आपको 3 का पहाड़ा याद हो गया? राहुल सर जी एक बात बताइए, आपने 2 का पहाड़ा तो पहले याद कराया नहीं है, एकदम आप 3 का पहाड़ा याद कराने लगे,
ये किस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप क्लास में। अच्छा मोदी जी, कल मैंने आपसे पूछा था कि आपको दो का पहाड़ा याद है, आपने कहा था याद है, तो मैंने कहा था चलो तीन का पहाड़ा याद करके लाना कल को, मैं सुनूंगा। राहुल सर जी, आप भी अजीब बात करती हो, आपने कहा कि दो का पहाड़ा याद है, मैंने कहा याद है, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कहाँ तक याद है। मुझे दो का पहाड़ा आठ तक याद है, बस आठ के बाद दो का पहाड़ा याद ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा शिवराज सिंह चौहान जी, एक बात बताओ, पृथ्वी कैसी है। राहुल सर जी, अब तो पृथ्वी सही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत नहीं है, किस पृथ्वी की बात कर रहे हो। अरे मेरे पड़ोस में पृथ्वी रहता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो अब ठीक है, कुछ दिन पहले उसे बुखार आ गया था लेकिन अब ठीक है। अरे शिवराज सिंह जी, कैसी आप अजीब बात करते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ पृथ्वी गोल है या चपटी है। इस पृथ्वी की बात कर रहा हूँ जिसपे अपना लोग रह रहे हैं। राहुल सर जी, आज पढ़ाई उड़ाई छोड़ो, कबड्डी का खेल करा दो बाहर ग्राउंड में। चलो चलते हैं, कबड्डी खिला दो आज हमें, बड़ा मजा आएगा कबड्डी का खेल खेलते हुए। अखिलेश तुम्हें तो खेल ही पसंद है, पढ़ाई से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। अच्छा अखिलेश, चलती का नाम गाड़ी, इस मुहावरे का उदाहरण देकर समझाओ। इसका मतलब आप कबड्डी का खेल नहीं खिलाओगे। चलो कोई बात नहीं है, आपके मुहावरे का उदाहरण दे देते हैं। वो देखो राहुल सर जी, अपने स्कूल के गेट के बाहर रोड पर एक मोटरसाइकिल जा रही है, वो चल रही है, इसीलिए उसका नाम गाड़ी है, इसी को कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। अच्छा योगी जी, अब आप बताओ। देखो राहुल सर जी, इससे पहले आप मुझसे कुछ पूछे, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं आज कुछ भी याद करके नहीं आया हूँ, कल को मैं याद करके आऊंगा और सब कुछ सुना दूंगा आपको। और भाई लोगों को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।